मेरा नाम मालती है, मेरी एज 48 इयर्स है। मैं सेक्स वर्कर हूँ। मैं 25-30 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मेरे साथ काफ़ी सारी मेरी अपनी बहनें जुड़ी हुई हैं जो कमर्शियल सेक्स वर्क में है। हमारा ब्रॉथल बेस और होम बेस्ड स्ट्रीट बेस पे है। मेरा अपना खुद का जो है वो होम बेस्ड है। हमारा एक अपना एरिया होता है, तो मेरे नियर बाई में जितने भी मेरी सेक्स वर्कर बहनें हैं वो वहीं पर रहती हैं और अपने घर से डील करती हैं क्लाइंटों को फ़ोन के माध्यम से। जैसे कई बार होता है कि क्लाइंट अपने घर पे भी बुला लेता है हम लोगों को, बट ज़्यादातर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हमारी स्पेस पे ही आ जाए। मैं खुद भी शुरू से कमर्शियल सेक्स वर्कर नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ में जब पहला जॉब किया था HIV एड्स में, उस टाइम ज़्यादातर जो सेक्स वर्कर के साथ में काम चल रहा था, मेरे पड़ोस में कुछ लोग ऐसे थे जो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाना चाहते थे। जैसे कि उनसे मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते थे और बोलते थे हमें इनसे मिलवाओ, हमें इनसे सेक्स करना है, उनके साथ हमें घूमना फिरना है। तो मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने फिर मेरे घर वालों को भड़काना शुरू कर दिया। बट उनका जो बिहेवियर हो गया था मेरे प्रति, ये भी सेक्स वर्क से जुड़ी हुई है, सेक्स करती है, क्लाइंट्स बनाती है, इस तरीके से उनकी लैंग्वेज हो गई थी, तो फिर मैंने अपना घर खुद ही छोड़ दिया था। जब भूख लगती है तो खाने को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। घर नहीं था रहने के लिए, सर पे छत नहीं थी, रोड़ों पे भटकना था। तो फिर मेरी फ्रेंड ने जब मुझे इस तरीके से काम सिखाया और मैं वहाँ पे काम करने लगी, तो मेरे अपने खुद के क्लाइंट्स भी बन गए। अपने खुद के क्लाइंट्स बने तो फिर ज़्यादा पैसा मिलने लगा। मैंने जो मैरिज किया वो मेरे हस्बैंड भी मुझे एज ए क्लाइंट ही मिले थे। मैं अपनी सेक्स वर्कर बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपना HIV टेस्ट समय से करवाएं और कॉन्डम का इस्तेमाल करें। जानकारी ही बचाव है।